नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है वो 100% विद्यार्थियों इन्हीं में से पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि हर बार आप सभी को पता है, हर बार हर साल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं इसी चैनल पर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो उन्हीं में से आपको रिपीट होते हैं, मिलते हैं, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा रहेगा। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और याद भी होगा। ओके, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं और चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि हमारी मेहनत भी बेकार ना जाए और आपका भी समय खराब ना हो और आपका स्कोर है बहुत बढ़िया रहे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, कमज़ोर है आप, तो निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ, आप वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखना और चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा पूरा सॉल्यूशन करूँगा, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताने वाला हूँ आपको और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले जो आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो खंड एक की बात करेंगे, और सबसे पहले आपको क्या करना है विद्यार्थी, वो दिशा जो सामान्य जो निर्देश दे रखे हैं ना वो आपको पढ़ लेना है एक बार में। उसके बाद आपको प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से करना है, सेक्शन ए की बात करेंगे और उसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ में सबसे पहले देखिएगा, अमावस्य में जो मानव में अमावस्य की आकृति होती है किस प्रकार की होती है विद्यार्थियों, जो अमावस्य की आकृति वो यू प्रकार की होती है और जे प्रकार की, जो जे तरीके से भी हो सकती है इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से दोनों तरीके से आप देखिएगा इसका जो आकृति है जे और यू की, दोनों की आपको एकदम सही दिख रही होगी, सेम टू सेम दिख रही होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जे हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ यू दे रखा होता ना ऑप्शन में तो यू सही होता, लेकिन यू नहीं है, यू की जगह जे है, तो जे भी एक यू की तरह ही आकृति है। उसके बाद है मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है, तो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री होता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है, आप देख सकते हो इसमें बायलैंगुअल दे रखा है पेपर। उसके बाद है प्राकृतिक सूचक लिटमस किन से प्राप्त होते हैं, तो ये लिटमस किन से प्राप्त होते हैं, वो लाइकन से होते हैं। ओके, और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं, ध्रुवी भालू है विद्यार्थियों वो ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, ऑप्शन वो बी इसका सही हो जाएगा, यानी कोल्ड प्लेस, ओके इंग्लिश में कहते हैं, यानी जो पोलर बियर होते हैं ना, पोलर बियर वो आपके कोल्ड प्लेस में पाए जाते हैं। उसके बाद है वस्तु की चाल मापने वाले यंत्र को कहते हैं, जो वस्तु की चाल होती है उसको किस में मापा जाता है, तो आप देख सकते हो वस्तु की चाल है वो चाल माप इसी में स्पीडोमीटर जिसे कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्पीडोमीटर, ओके, जिसे हिंदी में चाल मापी कहते हैं। जैव घटक का उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उसका जो उदाहरण होता है वो विद्यार्थी वो आपके गाय, यानी जैव घटक का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव थे जो कि मैंने सारे के सारे बता दिए, इंग्लिश वालों को भी साथ में हिंदी वालों की बात दोनों, अगर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हिंदी में भी आप देख सकते हो। और उसके बाद आपका जो अति लघुतरात्मक लघुतरात जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके 100% बिल्कुल आपको एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे विद्यार्थियों, क्योंकि हर बार पूछे जाते जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ। बस रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए वायु दाब किसे कहते हैं विद्यार्थियों, वायु दाब किसे कहते हैं, तो वायु का, वायु के द्वारा जब दाब डाला जाता है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वायु के द्वारा जो डाला गया दाब, ठीक है, यानी जो वायु का एक स्तंभ होता है जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायु दाब कहते हैं। इसी भी परिभाषा आप अपने हिसाब से किस तरीके से बना दो, लेकिन उसका जो मेन एक्सप्लेन होता है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो श्वसन दर से संबंधित है, श्वसन दर किसे कहते हैं, श्वसन दर मतलब इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों कि एक मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है ना उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं, उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं, यानी एक मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वसन ले सकता है। ओके, तो उसे उस मनुष्य की श्वसन दर कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी। ओके, यानी एक एक मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं। ओके, डिफाइन आपका रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसके बाद है जनन किसे कहते हैं, जनन बहुत आसान है, संतान को जन्म देने की क्रिया जनन कहलाती है। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जिस जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्यार्थियों, क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार क्या करता है विद्यार्थियों, ताप, वो तार तप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। अगर इसी तार में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं वो तार क्या हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो इसी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवा दूंगा विद्यार्थियों, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। इसमें देखा विद्युत घंटी में उपस्थित होती हैं, विद्युत घंटी में क्या उपस्थित होती हैं, विद्युत चुंबक, क्या होती हैं, विद्युत चुंबक। और उसके बाद है कि वाहन द्वारा तय की दूरी मापता है, वाहनों की जो दूरी है वो किस में मापी जाती है,
जो एक मीटर होता है आपने देखा होगा, जो भी है आपके आपके मोटरसाइकिल है या गाड़ी, उसके अंदर वो होता है ना जो मापने वाला, जैसे कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओके, जिसे हिंदी में पथ मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ मापी, और इसे इंग्लिश में ओडोमीटर भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पथ मापी से मापा जाता है। उसके बाद अम्ल लिटमस पत्र को कर देते हैं। अम्ल है वो जो लाल जो अन जो है विद्यार्थी, अम्ल वो नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, ये तो ये ध्यान रखना, ये हो गया आपकी खाली जगह। और उसके बाद जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खंड ब में। खंड ब की बात करें, खंड ब में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें देखिए कि मानव में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, नाम लिखने बहुत आसान है। मनुष्य में दांत वो चार प्रकार के पाए जाते हैं, कृतंक, ओके, और रदनक, ठीक है, कृतंक, रदनक, और एक होता है आपके अग्रचर्वणक। क्या होता है? अग्रचर्वणक, और एक होता है चर्वणक, जो इसका अग्र वाला भाग हटा दो, यानी चर्वणक, ठीक है। तो ये चार प्रकार होते हैं, रदनक, कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और अचर्वणक, ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको लिखना है। उसके बाद है कि ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर वो किन किन परिस्थितियों में होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर होती है विद्यार्थियों, वो किस तरीके से, किस विधि से होती है? तो इसमें तीन विधियां हैं, एक तो चालन है, आप याद रखना कौन सी, चालन, कौन सी, चालन, और दूसरी आप सेवन कह सकते हैं, सेवन, और तीसरी आपके विकिरण, विकिरण। तीन प्रकार की विधियां हैं जिससे हीट ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, चालन, सेवन और विकिरण, ये तीन प्रकार की याद रखनी है। उसके बाद है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अम्ल क्या है विद्यार्थी, अम्ल, ठीक है, अम्ल और सारक के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे एसिड को होते हैं विद्यार्थी अम्ल और सारक, अम्ल और जो सारक के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, अम्ल और सारक की अभिक्रिया होने के बाद अम्ल क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। उसके बाद ये अथवा में दे रखा, और कमल मीन्स होता है विद्यार्थियों अथवा में, जो अम्ल व सार में अंतर बताइए, या अगर ये नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हो, दोनों में इसको एक आपको करना है। तो अम्ल व सार में अंतर बता देना, अगर ये नहीं आता तो कोई नहीं, मैंने ये बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन विद्यार्थियों जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब विद्यार्थियों की जिसे वापस उसी रूप में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे कोई कुर्सी है, तो कुर्सी को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की होती है तो उसको पिघला कर, और पिघला देते हैं, दूसरी आकृति बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वापस उसी प्लास्टिक से हम कुर्सी बना देते हैं, तो ये आपका अस्थायी परिवर्तन हुआ, यानी भौतिक क्या है, पद जो भौतिक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। अथवा में दे रखा है रासायनिक, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, यानी रासायनिक यानी किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और ये स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलने के बाद राख बनती है, क्या राख से हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये आपका स्थायी परिवर्तन हो गया। उसके बाद तड़ित झंझावत से आप क्या समझते हैं। थंडर स्ट्रॉम, जिसे थंडर स्ट्रॉम कहते हैं, ओके, तड़ित झंझावत। तो विद्यार्थियों जो तड़ित झंझावत होती है, जब आप देखना देखा होगा आपने कि जब जब बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और हवाएं भी चलती है, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश होती है और तेज़ बारिश और तेज़ हवा, क्या है, तेज़ हवा, और तेज़ हवा जब ऊपर उठती है तब क्या होगी कि जल की जो बूंदे और वायु में टकराव होगा, जिसके कारण क्या होगा, बिजली उत्पन्न होती है। आपको पता होगा बिजली कैसे उत्पन्न होती है, तो बता दो मैं आपको कि जब हम तेज़ बारिश होती है और उसके साथ हवा भी चलती है बहुत तेज़, जो हवा ऊपर उठती है और जो बूंदे होती है जल की वो ऊपर से नीचे आती है, दोनों टकरा जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है, अब बिजली क्या होती है विद्यार्थियों, बिजली चमकती है, और बिजली चमकने से जो आवाज़ आती है उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित झंझावत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे सारे सारे क्वेश्चन, 100% विद्यार्थियों हर बार पूछे जाते हैं। तो ओके, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। उसके बाद सेक्शन सी में आपका निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, वायु दाब डालती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाना है, वायु कैसे दाब डालती है आपको, और ये अथवा में दे रखा है, और का मीन्स होता है जैसे कि टोरनेडो क्या है, दोनों में से कोई कर सकते हो,
टोर्नेडो क्या होते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं। क्या होते हैं? उष्ण, तो याद रखना कटिबंधीय, ध्यान रखना कटिबंधीय तूफान होते हैं। विद्यार्थियों यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या आती है, तो स्क्रीन पर लिखा बहुत मुश्किल से जाता है, इसलिए थोड़ा एंड्राइड में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है, चाल से क्या समझते हैं और इसका सूत्र लिखना है। बहुत आसान है, चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ध्यान रखना एकांक समय, समय का मीन्स होता है टी, ओके, तो ये हमें टी लिख दिया। एकांक समय में तय की दूरी, दूरी मीन्स डी, तो हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये की परिभाषा और ये इसका फॉर्मूला हो गया डी बटा टी, और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर भी हो गया, इसका परिभाषा वगैरह सब बता दिया। ये अथवा में दे रखा, तो आप या कर सकते हो वाहनों की पथ मापी और चाल मापी का उपयोग लिखिए, तो आपको ये कर देना फर्स्ट वाला। उसके बाद है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है, जब कोई प्रकाश ठोस वस्तु से टकराकर, क्या है विद्यार्थियों? ठोस वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में चला जाता है, तो उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठोस सिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में चला जाता है, तो उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑब्जेक्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूँ, आप लगातार जुड़े रही हमारे चैनल से, और बाकी सारे सब्जेक्ट का पेपर मैंने सॉल्यूशन कर दिया, वो भी देख सकते हो, इसी चैनल पर पढ़े हैं, तो सारे सब्जेक्ट के पेपर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्रुवीय बालू में पाए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय अनुकूल बताइए और मौसम, ये विद्यार्थियों आपको नहीं करना, ये गलती से इसके साथ ऐड हो गया विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके नहीं आएगा क्योंकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना विद्यार्थियों, ये आपको नहीं करना क्योंकि ये मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से इसके साथ ऐड हो गया। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाइए, मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाना, ये चित्र आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यह अथवा में दे रखा है कि मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को दर्शाता नामक चित्र बनाइए। बात एक ही है, आपको ये फर्स्ट वाला आपको तैयार कर लेना है, मानव जो आपका तंत्र होता है। उसके बाद है मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, आपको हृदय का चित्र बनाना है और उसके बाद पूरी उसकी संरचना का वर्णन करना है, यानी ये पूरा का पूरा निबंधात्मक प्रश्न है, बहुत बड़े हैं, एक पेज में होंगे आपको, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है अगर आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए तो। ओके, तो ये तैयार जरूर कर लेना विद्यार्थी, बार बार कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ जाएगा, मानव हृदय की संरचना का नामक चित्र बनाइए। और ये तीनों अथवा में दे रखा है, ये अथवा में दे रखा देख सकते हो, इस ये मानव हृदय का, उसके बाद ये जो दे रखा है पादपों में पदार्थ का परिवहन और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो आपको फर्स्ट वाला ही तैयार करना मानव हृदय वाला, और ये भी कर सकते हो, अगर वो नहीं पूछा जाए तो ये पूछे जाएंगे, बिल्कुल इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, तो आप ये भी रक्त क्या है, रक्तवाहिनियाँ क्या हैं, ये फिर पादपों में पदार्थों का परिवहन, ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तैयार कर लेना। ठीक है, ये तीन इस प्रश्न में से जो 3 प्रश्न दे रखे हैं 19 में, ये अथवा दे रखा है, इन तीनों में से कोई एक बिल्कुल पूछा जाएगा 100%। अगला है 5, 20वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? परागण यानी किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से पराग कोष से परागकणों का दूसरे पुष्प के किसी वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है, पराग कण कहलाता है। और उसके बाद है क्या विद्यार्थियों, निषेचन किसे कहते हैं? नर प्लस मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, नर व मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, क्या कहलाता है? निषेचन। तो और ये क्या दे रखा है जो उसके बाद है, और यानी और मीन्स अथवा में दे रखा है, और अगर आपको ये नहीं करना कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो, पादुओं में कायिक जनन को संक्षेप में, आपको एक ही करना, तीनों में से कोई एक ही करना है, या फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, मुकुलन किसे कहते हैं, खंडन किसे कहते हैं, तो इनमें से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मेरा ये मानना होगा आप तीनों ही तैयार कीजिए, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, 100% विद्यार्थी पूछा जाएगा। ओके, जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आएंगे, तो विद्यार्थी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। ओके, और चैनल पर नए थे विद्यार्थी, एक बार और कहना चाहता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिए, इसी चैनल पर ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन कर दिया। ओके, तो ये आपका विज्ञान विषय का पेपर था, और उम्मीद करूँगा कि आप लगातार वीडियो देखिएगा, और चैनल पर नए थे विद्यार्थी, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, धन्यवाद।